गली मोहल्लों में होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को लेकर बहस दोबारा गर्मी पकड़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर सुनवाई चल रही है। भले ही होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया हो, लेकिन इसे लेकर लोगों की राय बटी हुई है। इस बीच हम साइंस के एंगल से होमोसेक्सुअलिटी पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अपन देखेंगे कि इसे समझने के लिए किस तरह की साइंटिफिक स्टडीज अब तक की गई हैं और उनसे क्या निकल कर आया है। खासकर समलैंगिकता के पीछे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन की पहेली क्या है, उसे हम खासकर समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि होमोसेक्सुअलिटी अभी एक संवेदनशील मामला है, इसलिए जब साइंस में इस तरह की चीजों को स्टडी किया जाता है तो उतनी स्पष्टता नजर नहीं आती जितनी किसी दूसरे विषय में दिखाई देती है। लेकिन फिर भी यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसे लेकर अभी तक क्या क्या पता किया जा सका है और इसे लेकर कैसे समय के साथ राय बदली है। दुनिया भर में अक्रॉस कल्चर्स हर पॉपुलेशन में करीब 2-10% लोगों के बीच होमोसेक्सुअल बिहेवियर देखा गया है। कई लोग इसे अननेचुरल या अप्राकृतिक व्यवहार की तरह भी देखते हैं और कुछ लोग तो इसमें मानसिक बीमारी का लेबल भी लगा देते हैं। लेकिन बायोलॉजिस्ट ने पिछले दशकों में दूसरे जानवरों को भी स्टडी किया है और ये पता चला कि करीब 450 प्रजातियों में होमोसेक्सुअल बिहेवियर देखा गया है। अक्सर बोनोबोस का उदाहरण हमें सुनने को मिलता है। बोनोबोस चिंपैंजी की तरह ही हमारी करीबी प्रजाति है और बोनोबोस में आमतौर पर समलैंगिक व्यवहार देखा जाता रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उनके बीच के सोशल कनेक्शन को मजबूत बनाए रखने का जरिया है। इंसानों में होमोसेक्सुअल बिहेवियर को समझने के लिए कई सारी स्टडीज की गई हैं पिछले कुछ दशकों में और इनकी बदौलत धीरे धीरे इसे लेकर हमारी समझ बेहतर हुई है। इन स्टडीज पर बात करने से पहले हमें उनका कॉन्टेक्स्ट समझ लेना चाहिए। लंबे अरसे से ये बहस चलती रही है कि क्या होमोसेक्सुअलिटी जीन्स पर निर्भर करती है या किसी के बढ़ते के साथ उसका एनवायरनमेंट उसके होमोसेक्सुअल बिहेवियर को शेप कर सकता है। अगर पैदा होने के साथ किसी की होमोसेक्सुअलिटी तय हो जाती है तो उसका कारण जेनेटिक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स को माना जाएगा, और अगर किसी परिवेश में बड़े होते हुए कोई समलैंगिक बन जाता है तो उसे एनवायरनमेंटल फैक्टर के कारण माना जाएगा। शुरुआत में अलग अलग फैक्टर्स को सपोर्ट करती हुई अलग अलग थ्योरीज थी, जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि लोग पहले से ही जीन्स के कारण होमोसेक्सुअल होते हैं और कुछ लोगों का मानना था कि शुरुआती सालों में की परवरिश और अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सेक्सुअलिटी को शेप करते हैं। लेकिन इन दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं थे। 1990 के दशक में होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ी शुरुआती महत्वपूर्ण स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं। ये साइंटिफिक स्टडीज समलैंगिकता के बायोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने की दिशा में काम करती हैं। साल 1991 में ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों पर स्टडी की जाती है। इस स्टडी के लिए अलग अलग ट्विंस को शामिल किया गया था। आपने सुना होगा कि दो तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये एक ही स्पर्म और एग के मिलने से बनते हैं। ऐसे बच्चे जो दिखने में एक जैसे होते हैं क्योंकि इनके लगभग 100% जीन्स आपस में मिलते हैं। जीन्स हमारे डीएनए के उन छोटे छोटे हिस्सों को कहते हैं जो हमारे अलग अलग फीचर्स को तय करती हैं। आइडेंटिकल ट्विंस के लगभग सभी जीन्स मैच करते हैं, इसलिए उनके सभी फीचर्स एक जैसे होते हैं। दूसरे तरह के ट्विंस होते हैं फ्रेटर्नल या डायजाइगोटिक ट्विंस। यहाँ दो अलग स्पर्म और दो अलग एग के मिलने से बच्चे बनते हैं। ये बच्चे पैदा तो एक साथ होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके फीचर्स बहुत मैच करें। इनके सिर्फ 50% जीन्स मैच होते हैं। हमारे जीन्स हमारे शरीर की बनावट तय करते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस की हाइट, बाल, आंखों का रंग और कई सारे फीचर्स एक जैसे होते हैं क्योंकि इनके जीन्स एक जैसे होते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर होमोसेक्सुअल बिहेवियर का जीन्स से कुछ रिश्ता है तो ऐसे ट्विंस को स्टडी करके उसका पता लगाया जा सकता है क्योंकि इनमें जीन्स की मैचिंग अलग अलग है। 1991 में साइंटिस्ट बेली और पेलार्ड अपनी स्टडी के नतीजे पब्लिश करते हैं। ये सामने आया कि आइडेंटिकल ट्विंस के केस में अगर एक भाई होमोसेक्सुअल है तो 52% चांस है कि उसका जुड़वा भाई भी होमोसेक्सुअल होगा, जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस के केस में इसी चीज के चांस 22% हो जाते हैं। और अगर किसी घर में कोई अडॉप्ट किया गया है यानी दोनों भाइयों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग हैं तो चांस 11% हो जाते हैं कि एक के होमोसेक्सुअल होने से दूसरा भी होमोसेक्सुअल हो। इस स्टडी से ये सीधी बात समझ में आती है कि दो भाई जिनके जीन्स ज्यादा मिलते हैं उनमें से किसी एक के होमोसेक्सुअल होने पर दूसरे के होमोसेक्सुअल होने के चांस भी ज्यादा है। ये स्टडी इस ओर इशारा करती है कि होमोसेक्सुअलिटी एक हेरिटेबल ट्रेट है यानी समलैंगिकता का जेनेटिक बेसिस निकल कर आता है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक 90 के दशक में ही ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे डीएनए का वो कौन सा हिस्सा है जिससे होमोसेक्सुअलिटी तय होती है, वो कौन सी जीन्स हैं जो किसी को होमोसेक्सुअल बनाती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में डीन हैमर नाम के एक रिसर्चर काम करते थे। हैमर एक जेनेटिसिस्ट थे यानी जीन्स के विशेषज्ञ। साल 1993 में डीन हैमर होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ी एक जेनेटिक स्टडी पब्लिश करते हैं। उनके मुताबिक ये स्टडी डीएनए के उन इलाकों पर रोशनी डालती थी जहां से समलैंगिकता उपजती है। डीन हैमर की टीम ने होमोसेक्सुअल भाइयों के 40 जोड़ों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि इन 40 में से 33 जोड़ों में
एक्स क्रोमोसोम के निचले हिस्से का कुछ एरिया मैच करता है। आपको रिवाइज करा दें कि हमारा डीएनए क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स में टाइटली पैक्ड होता है। कुल 46 क्रोमोसोम्स में हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल भरा होता है। ये क्रोमोसोम्स दो दो की जोड़ी में होते हैं और 46 क्रोमोसोम यानी कुल 23 पेयर्स, 23 जोड़ियां होती हैं। 23 हमें माँ की तरफ से मिलते हैं और 23 पापा की तरफ से। इनमें से जो लास्ट क्रोमोसोम पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक्स और वाई। अगर जन्म के समय XX क्रोमोसोम की जोड़ी बनती है तो लड़की पैदा होती है और XY क्रोमोसोम की जोड़ी बनने पर लड़का पैदा होता है। लड़कों में X क्रोमोसोम उनकी माँ की तरफ से आता है और Y क्रोमोसोम पिता की तरफ से आता है। डीन हैमर की स्टडी में ये सामने आया कि X क्रोमोसोम का एक इलाका जिसका नाम है XQ28 वो इन लड़कों में सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ा है। इस स्टडी को मीडिया में जब पॉपुलराइज किया गया तो ये खबर चली कि गे जीन की खोज हो चुकी है। आगे चलकर कुछ दूसरी स्टडीज ने हैमर की स्टडी से मिलते जुलते नतीजे पेश किए, लेकिन कुछ ऐसी स्टडीज भी सामने आई जो इससे इत्तेफाक नहीं रखती थी और इन नतीजों को डुप्लीकेट करने में विफल रही। इस मामले में फिलहाल जो साइंटिफिक कम्युनिटी का कंसेंसस है वो ये है कि किसी भी एक जीन को होमोसेक्सुअल बिहेवियर के साथ लिंक नहीं किया जा सकता है, यानी गे जीन जैसी कोई एक जीन नहीं होती। इस सिलसिले में सबसे बड़ी स्टडी साल 2019 में पब्लिश हुई थी, लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले हम दूसरे तरह की रिसर्च देख लेते हैं जो चूहों के ऊपर की गई है। चूहों पर स्टडी करने का एक एडवांटेज ये है कि मनुष्यों में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते जो चूहों में करने की इजाजत मिली हुई है, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि जरूरी नहीं है चूहों में जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वो हूबहू मनुष्यों के ऊपर भी लागू हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं कि चूहों में होमोसेक्सुअल बिहेवियर को लेकर किस तरह की स्टडीज हुई और उनसे क्या निकल कर आया। 2010 में हुई स्टडी ने चूहों के सेक्सुअल प्रेफरेंस का रिश्ता एक जीन से बताया। इस जीन का नाम है फ्यूकोस म्यूटारोटेस। जब फीमेल माइस में ये जीन डिलीट किया गया तो उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। ये पाया गया कि फीमेल्स दूसरी फीमेल की स्मेल से अट्रैक्ट हो रही हैं और वो दूसरी फीमेल माउस के ऊपर माउंट कर रही हैं। कुछ और स्टडीज हैं जो दूसरे जीन्स के ऊपर इशारा करती हैं होमोसेक्सुअल बिहेवियर से जुड़े, जैसे कि 2007 में आई एक स्टडी ने TRPC2 जीन पर ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि जिन फीमेल माइस में TRPC2 जीन के साथ छेड़खानी की जाए तो ये फीमेल मेल की तरह हरकतें करने लगती हैं। ये जो TRPC2 जीन है ये ब्रेन में कुछ चीजें एक्टिवेट करता है जिससे फेरोमोन्स की फंक्शनिंग पॉसिबल हो पाती है। फेरोमोन्स कुछ खास तरह के केमिकल्स होते हैं जिन्हें कोई एक जानवर रिलीज करता है और इसके कारण दूसरी उसी प्रजाति के किसी दूसरे जानवर में रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। कुछ सेक्स फेरोमोन्स होते हैं जिनके जरिए जीव जंतु मेटिंग पार्टनर की तलाश करते हैं, उससे जुड़े सिग्नल्स देते हैं। ये TRPC2 जीन फेरोमोन्स की फंक्शनिंग और चूहों के सेक्सुअल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। 2002 की एक स्टडी में ये पाया गया था कि जिन मेल माइस में TRPC2 नहीं होता है वो मेल मेल अग्रेशन दिखाना बंद कर देते हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए सेक्सुअल बिहेवियर दिखाने लगते हैं। कुछ चूहों में ये देखा गया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनके हार्मोन्स में बदलाव किए जाएं तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो होमोसेक्सुअल बिहेवियर दिखाते हैं। ये हार्मोन्स वाला फैक्टर ह्यूमन स्टडीज में भी देखा गया है। वैज्ञानिकों को इस तरह के एविडेंस मिले हैं कि गर्भ में होने के समय भी कुछ इवेंट्स से सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रभावित होता है। साइंटिफिक लिटरेचर में इस चीज को प्रीनेटल कंडीशन कहा जाता है। प्रीनेटल यानी जन्म से पहले गर्भ में बच्चा किस तरह के हार्मोन्स से एक्सपोज हो रहा है उसका असर भी उसकी सेक्सुअलिटी पर पड़ता है। उस स्टडीज में एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई जिसे फ्रेटर्नल बर्थ ऑर्डर इफेक्ट कहते हैं। इसके मुताबिक अगर कोई माँ कई लड़कों को जन्म देती है तो बाद में पैदा हुए लड़कों के होमोसेक्सुअल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी जो लड़का बर्थ ऑर्डर में जितने बाद में पैदा होगा उसके होमोसेक्सुअल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये है फ्रेटर्नल बर्थ ऑर्डर इफेक्ट। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये प्रपोज किया गया है कि हर मेल प्रेगनेंसी के साथ माँ का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बदलता है। ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी असर डालता है और माँ के इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज आ जाती हैं जो वाई प्रोटीन्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और इससे ब्रेन के कुछ एरियाज में फीमेल टिपिकल अरेंजमेंट या फिर लड़कों की तरफ आकर्षण पैदा होने लगता है। हर मेल प्रेगनेंसी के बाद एक होमोसेक्सुअल पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते जाते हैं, जैसे कि अगर पहले लड़के के लिए चांस 2% है तो दूसरे लड़के के लिए 3% और तीसरे के लिए 5%। इस तरह से चांस बढ़ते हैं मेल होमोसेक्सुअलिटी के लिए। ये और इस तरह की कई प्रीनेटल कंडीशंस और दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होमोसेक्सुअलिटी के लिए देखे समझे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस फैक्टर की चर्चा होती है वो है जेनेटिक्स। 1990 के दशक में हम देखते हैं कि किस तरह गे जीन की तलाश शुरू होती है, उसके लिए अलग अलग दावेदार निकल कर आते हैं और उससे जुड़ी कई स्टडीज सामने आती हैं। इसी सिलसिले में साल 2019 में एक बहुत बड़ी स्टडी साइंस मैगजीन में पब्लिश हुई। इसे जीन्स और होमोसेक्सुअलिटी से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी स्टडी माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 5,00,000 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे जिनमें से अधिकतर UK और US के लोग थे। इन 5,00,000 लोगों का जेनेटिक डेटा एनालाइज किया गया
और इनके सेम सेक्स बिहेवियर से जुड़े जीन्स का पता लगाने की कोशिश हुई। इस स्टडी से ये निष्कर्ष निकल कर आया कि किसी एक पर्टिकुलर जीन को गे जीन नहीं कहा जा सकता, यानी कोई सिंगल जीन को पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकता कि ये उसकी होमोसेक्सुअलिटी का आधार है। इनके हिसाब से जीन्स हमारे सेम सेक्स बिहेवियर में करीब 8-25% रोल प्ले करती हैं, यानी होमोसेक्सुअलिटी के जेनेटिक फैक्टर्स जरूर हैं लेकिन के जीन जैसा कुछ नहीं होता है। जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा कुछ एनवायरमेंटल और दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होमोसेक्सुअलिटी को तय करने में भूमिका निभाते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी हमें बहुत पक्की समझ नहीं है, और कुल मिलाकर होमोसेक्सुअलिटी और जेनेटिक्स उतने भी सिंपल नहीं है जितनी शुरुआत में लग रही थी। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है जिसमें और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। ये सब तो जो भी साइंटिफिक स्टडीज थी होमोसेक्सुअलिटी को समझने के लिए उनकी बात हो गई, लेकिन इवोल्यूशन के परस्पेक्टिव से अक्सर ये सवाल उठता है कि होमोसेक्सुअलिटी आखिर नेचर में है क्यों। मैं पहले आपको आर्ग्यूमेंट समझा देता हूँ। इवोल्यूशन के नजरिए से अगर किसी प्रजाति का पर्पस सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करना होता है और जो जानवर इस चीज में बेहतर होते हैं उनके जीन्स आगे बढ़ते हैं और जो होमोसेक्सुअल हैं उनके बायोलॉजिकली बच्चे पैदा करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो होमोसेक्सुअल ट्रेट्स कैसे आगे बढ़ सकते हैं नेचर में। नेचुरल सिलेक्शन के नजरिए से तो यही समझाया जाता है कि जो ट्रेट्स हमारे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों की पूंछ हुआ करती थी, उनके शरीर पर बाल हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियां बदलने के साथ नेचुरल सिलेक्शन ने ऐसे लोगों को फेवर किया जिनमें ये चीजें नहीं थी, क्योंकि वो उस माहौल के हिसाब से बेहतर सूटेड थे और उस तरह के ट्रेट्स धीरे धीरे गायब होते गए। तो नेचुरल सिलेक्शन को पूरी तरह हेटरोसेक्सुअलिटी को फेवर करना चाहिए, होमोसेक्सुअलिटी के होने का कोई इवोल्यूशनरी सेंस नहीं बनता। लेकिन अब होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट तो करती है, तो इसे समझाने के लिए हमें अपनी थ्योरीज ही चेंज करनी होगी। तो होमोसेक्सुअलिटी को इवोल्यूशन के नजरिए समझाने के लिए कई थ्योरीज हैं, जिनमें से सबसे चर्चित ये है कि एक अकेले आदमी के लिए होमोसेक्सुअलिटी इवोल्यूशनरी तौर पर बहुत फेवरेबल नजर नहीं आती, लेकिन ग्रुप में देखें तो ये हेल्पफुल नजर आएगी। लंबे समय से लोग परिवार बनाकर रहते आए हैं, तो सोचिए जिन फैमिलीज में गे अंकल और आंटी होते होंगे वो अपने भतीजे भतीजियों का ज्यादा ख्याल रखते होंगे अपने खुद के बच्चों पर ध्यान देने के बजाय। तो इस तरह की फैमिलीज जिनमें गे मेंबर्स मौजूद रहे उनके एक्स्ट्रा सपोर्ट के चलते उन फैमिलीज के बच्चों के सर्वाइवल के चांस ज्यादा हो गए, और इस तरह नेचुरल सिलेक्शन में उस ग्रुप के जीन्स को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता गया और उस फैमिली के जीन्स आगे बढ़ते गए। ये एक थ्योरी है ऐसे ही इवोल्यूशन के नजरिए से होमोसेक्सुअलिटी के आगे बढ़ने की। एक चीज ये भी है कि पहले की सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, और जो लोग होमोसेक्सुअल हुआ करते थे उन्हें शादी भी करनी पड़ती थी, बच्चे भी करने होते थे और वह अपनी फैमिलीज रेज करते थे। पहले की सोसाइटी और मजबूत इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के चलते जो होमोसेक्सुअल लोग थे उनके भी जीन्स आगे बढ़ते चले गए हैं, ये भी एक नज़रिया है। तो इस वीडियो में हमने होमोसेक्सुअलिटी को एक साइंटिफिक नज़रिए से समझने की कोशिश की। आपने गौर किया होगा लेकिन कि हमने अधिकतर जो स्टडीज़ देखी वो मेल होमोसेक्सुअलिटी और उससे जुड़ी देखी, फीमेल होमोसेक्सुअलिटी पर क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं। अगर कोई अजम्पशन लग रहा है कि फीमेल होमोसेक्सुअलिटी भी मेल होमोसेक्सुअलिटी की तरह ही काम करती होगी और सिमिलर रिजल्ट्स निकलते होंगे, तो ये अजम्पशन है और ये गलत भी हो सकता है। अभी फीमेल होमोसेक्सुअलिटी पर और ज़्यादा स्टडीज़ और रिसर्च की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी और दूसरी आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ क्या और तू है क्या, मैं हूँ क्या और तू है क्या, ये तो नजर नजर की बात है।